भारत के पंजाब दे विच माड़े माहौल नूं देखदिआं होइआं जो लड़कियां दे कुड़ियां नाल छेड़छाड़ जां उहनां नाल गलत हरकतां हुंदीआं ने उहनां नूं देखदे होए मापे कुड़ियां नूं विदेशां च भेज दिंदे ने उत्थे दे माहौल नूं देखदे होए खास करके कनेडा जिहे देशां च। पर पिछले कुछ सालां तों इहनां मुल्कां दे विच वी हालात इन्ने बिगड़ चुके ने जो हुण सोचण ते मजबूर करदे ने। ते इहो जिही ही इक घटना सामने आई है विनीपैग की मैनीटोबा यूनिवर्सिटी तो जिथे एक पंजाबी लड़की दे कमरे दे विच सवेर दे करीब 4 बजे एक व्यक्ति दाखिल हो जाता है तो वह लड़की नाल जबरदस्ती करन दी कोशिश करता है, लड़की ते हमला करता है, उसके मूँह ते दंदियां नाल वड़दा है, उसके कपड़े फाड़न दी कोशिश करता है, जिस तो बाद जो पंजाबन लड़की सी वह उसका मुकाबला करन च कामयाब रही तो उसनू धक्के मार के अपने कमरे चो बाहर निकलती है। उस तो बाद उस लड़की दे वल्लों फायर अलार्म वजाया जाता है जिस तो बाद जो वो शक्की है उतों निकल जाता है तो इस तो बाद लड़की दे वल्लों सारी जो घटना उस दे नाल हुई है उसकी जानकारी अपनी यूनिवर्सिटी दी जाती है, जिस तो बाद CCTV कैमरे राही उस व्यक्ति की पछाण की जाती है जिसका नाम डेफो रोड दस्या जा रहा है तो उसनू पैबीना हवाई दे 1800 ब्लॉक तो पुलिस वल्लों गिरफ्तार किया जाता है। तो सामने आई जानकारी दे विच जो उस व्यक्ति दे बारे जो सामने जानकारी आई है उस पता लगता है कि उसके खिलाफ एक नहीं पहला भी कई जो सैक्सुअली हरासमेंट के मामले से वो चल रहे थे, पर फिर भी वह शख्स सड़कों के खुलेआम कनेडा सरकार वालों छड़िया गया सी, जिस तो बाद उसने फिर एक यहोजी ही घटना अंजाम दिता। थानू दस दिए कि जो लड़की है वह पंजाब की रहने वाली है जिसका नाम किरत भुल्लर दस्या जा रहा है। सवेरे 4:30 बजे के करीब उसके कमरे के व्यक्ति दाखिल होंदा, लड़की के कपड़े फाड़न की कोशिश करता है, उसके मूँह के उपर दंदियां नाल वड़दा, पर लड़की हिम्मत नहीं हारती, वह उसका मुकाबला करती है। मुकाबला करन तो बाद अपने कमरे चों होस्टल के कमरे चों भज के बाहर निकलती है तो फायर अलार्म जो होंदा उसनों वजाउंदी है, जिस तो बाद व्यक्ति उत्थों दौड़ जाता है। तो इस घटना के बारे इस लड़की के वलों एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख के भी सोशल मीडिया से पाई गई है। तो हुण ये सानू सोचना चाहिए है कि असी इत्थे दे माहौल नू देखदे होए अपन धियां या कुड़ियां बाहर भेज दें तो एक गल तो यह भी पक्की हो चुकी है कि कनेडा जिहे मुल्कां दे विच भी हुण जो साडियां धियां भैणां ने वह सुरक्षित नहीं रह गईआं ने। फिलहाल जो डेफो रोड नाम का शख्स है उसनू गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वह पुलिस की हिरासत में है। तो फिलहाल इस अपडेट च इन्ना ही, मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल, उदों तक जुड़े रहो चैनल PME News।